योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पेशवा जी बोले, सुबेदार मल्लाराव जी और बहिनी साहेब, यह विवाह अब पूना के शनिवार वाड़े में हम धूमधाम से संपन्न कराएंगे। मैंने फिर एक बार सबका अभिवादन किया और खुशी के अतिरिक्त विटुबा घर लौट आया। आई की भी खुशी में थरथराती आवाज आई, अगर भाई खरज, क्या सच में हमारी अहिल्या इंदौर के राजघराने की पुत्रवधू बनेगी? लेकिन खुशी के साथ ही साथ लाडली बेटी के बीचों की संभावना को उनकी आवाज़ भीग गई थी। बोली, अब अहिल्या हमसे दूर चली जाएगी? पता नहीं इतने बड़े राज परिवार में अहिल्या कैसे निभा पाएगी। बाबा बोले, सुशीला कार्जिनों को करो, तुमने अहिल्या को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो दोनों कुल का मान बढ़ाएगी। सुबह जल्दी उठकर श्रीमंत पेशवा जी, सुबेदार जी और रानी साहेब के स्वागत की तैयारी करो। अहिल्या के लिए भी अच्छे दागीने और रेशमी जरी की साड़ी निकाल कर रखो। आई बोली, हाँ तैयारी तो सारी कर लूँगी, पर मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, कई विचार मन में बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे, मन भारी हो रहा था। मेरा विवाह, मतलब मुझे आई, बाबा, शाहजी दादा, महाजी दादा, सारी सहेलियाँ, कपिला गाय, बकरियाँ, आंगन के पेड़, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कैसे इनके बगैर रह पाऊँगी? पलकों पर आंसू आकर ठहर गए थे। अभी उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था, शुक्र तारा अस्त हो गया था, नीले आसमान में कई रंग बिखरे हुए थे, पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा था। तभी आई मेरे पास आई, मेरे सिरहाने बैठकर धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाने लगी। मेरा मन कहने लगा, काश आई की माया में डूबा यह मधुर पल यहीं ठहर जाए। आई स्नेह से बोली, अहिल्या उठ गो पुरे, आज हमारे घर राज परिवार के मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, उनके स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आई जैसे स्वयं से ही बोल रही थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, कौन ये डरा रहेगा आई, चलो मैं भी काम में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। आई हंसकर बोली, अहिल्या, पुणे के श्रीमंत पेशवा, इंदौर के सूबेदार मल्हार जी राव और उनकी रानी साहेब हमारे घर आ रहे हैं। सूबेदार जी अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। आज तुम कुछ काम मत करो, बस अच्छे से तैयार हो जाओ। देखो तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी और दागिने निकाल कर रखे हैं। मगर आई, मेरा विवाह हुआ तो मुझे तुम सब लोगों को छोड़कर ससुराल जाना होगा। नहीं आई, मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे कपिला का ध्यान कौन रखेगा? चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा? पेड़ों को पानी कौन देगा? जब मैं पेड़ों को पानी देती हूँ तो पेड़ जैसे खुश होकर मुझसे बातें करते हैं। आई बोली, अहिल्या, ईश्वर ने हर स्त्री को दो घर की जिम्मेदारियां सौंपी हैं,
तुम्हें दोनों कुल का गौरव बढ़ाना है। विवाह एक पवित्र बंधन है, नए नए रिश्ते जुड़ते हैं, हर रिश्ते को अपनी एक अलग गरिमा है। तुम्हें हर रिश्ते के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। आई के बातों पर विचार करते हुए मैं तैयार हुई। आई ने ही सुंदर सी जरी की साड़ी पहनाई, कानों में कर्णफूल, गले में वजट्टी, हाथों में पाटले, पैरों में पायल। जब मैं पूरी तरह से तैयार होकर आई, बाबा के सामने आई तो देखा आई बाबा की आंखें भीगी हुई थीं। बाबा ने आई से कहा, सुशीला, एक ही रात में अहिल्या कितनी बड़ी हो गई ना। आई ने भी धीरे से पल्लू से अपनी आंखें पोछी। खुशी और दुख की परछाई एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। एक ओर अहिल्या रानी बनकर राजघराने में जा रही थी तो दूसरी ओर बेटी के पराये होने का दुख साल रहा था। मैं दादा के साथ सिद्धेश्वर की प्रातः आरती करने गई। आरती के बाद मैं आंखें बंद कर शिवजी से प्रार्थना करने लगी। हे शिवजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दोनों कुल की मर्यादा परंपराएं प्राण प्राण से निभा सकूं। आई बाबा ने जो संस्कार मुझे दिए हैं उनको जीवन में उतार सकूं। पंचारती की ज्योत जैसे मुझसे कह रही थी, अहिल्या, तुम्हारा जीवन हमेशा कर्तव्य पथ पर आलोकित रहेगा। घर आकर देखा, आई बाबा का उत्साह जिसे आसमान छू रहा था। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बंधनवार सजा गया था। द्वार पर इंद्रधनुष के सारे रंग समेटे सुंदर सी रंगोली के आगे मेहमानों के लिए पायघड़ी बिछाई हुई थी। घर के अंदर मेहमानों के बैठने के लिए मंच सजाए गए थे। जगह जगह पानी के तबक में सुगंधित फूल महक रहे थे। रसोई घर से पकवानों की महक आ रही थी। दोनों दादा मुझे अचरज से देख रहे थे, कभी मुझे देखते कभी घर की सजावट को। आज दोनों ने मुझसे न तो कोई शरारत की और न चढ़ाया। वो आई को पूछने लगे, खरच का गा आई अपने अहिल्या राणी होणार। आई ने मुझे अंदर के कक्ष में बैठा दिया। वो मेरे जूड़े में मोगरे का गजरा लगाते हुए बोली, पूरी कितनी सुंदर दिसते आहेस, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। कहते हुए आई ने मुझे काजल से नजर का टीका लगा दिया। तभी अश्वों की टापों की आवाज गूंज उठी। आई और बाबा तुरंत बाहर की ओर गए। द्वार पर ही फूल बरसाकर श्रीमंत पेशवा जी, सूबेदार जी और रानी साहब का स्वागत किया। सभी लोग अंदर आकर विराजमान हो गए। रानी साहब अंदर के कक्ष में मेरे पास आकर बैठी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। बाबा ने इत्र लगाकर और गुलाब जल छींटकर सबका स्वागत किया। आई ने रानी साहब को चांदी की कुहरी से हल्दी कुंकू लगाया और उन पर गुलाब जल छिड़का। तभी बाबा की आवाज आई, सुशीला, रानी साहब और अहिल्या को भी बाहर के कक्ष में ले आओ। हम लोग बाहर के कक्ष में आ गए। मैंने सबके चरण स्पर्श किए और रानी साहब के पास बैठ गई। रानी साहब और सूबेदार जी ने मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिए। मुझे लगा इनसे तो मेरी न जाने कब से पहचान है, वे मुझे अपने से प्रतीत हुए। पाटिल जी, हम लोग अहिल्या का हाथ मांगने आए हैं। आपकी पुत्री बहुत ही सुशील और संस्कारी है। हमें विश्वास है कि वह हमारे पुत्र खंडेराव की सच्चे अर्थों में सहधर्मिणी बनेगी। बाबा बोले, हम धन्य हुए जो हमारी अहिल्या आपके कुल की पुत्रवधू बन रही है।
सुबेदार जी ने रानी साहब को कहा, रानी साहब अहिल्या की ओटी भर दो और उसको उपहार दो। रानी साहब ने तुरंत उनकी सेविकाओं को बुलाया। अनेक चांदी के बड़े बड़े थाल में बहुमूल्य उपहार की सामग्री लिए सेविकाएं आकर खड़ी हो गईं। रानी साहब ने नारियल की कटोरी और फल मेरे पल्लू में रखे, मुझे हल्दी कुंकू लगाया, कई सोने मोती हीरे के दागीने और पैठनी साड़ी और चांदी के बर्तन दिए। आई ने भी रानी साहब को साड़ी दी। रानी साहब ने सेविकाओं से सबको बताशे बांटने को कहा। तब तक भोजन तैयार हो चुका था। सबके लिए पाट लगाए। पाट के आसपास सुंदर रंगोली मंडी थी। सुवासित अगरबत्ती का धुआं वातावरण को पवित्रता से महका रहा था। पूरणपोली, आमटी, भात, कुरडई, पापड़, कोशिंबीर, चटनी से थाली सजी हुई थी। सब ने भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद सबको चांदी के तबक में सुगंधित पान दिया गया। सबके साथ साथ जब मैंने श्रीमंत पेशवा जी के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने सिर पर हाथ फेरकर बहुत आशीर्वाद दिए और बोले, अहिल्या तुम्हारे विवाह की व्यवस्था पुणे के शनिवार वाड़े में हम हमारी देखरेख में करेंगे। इस विवाह से हम बहुत खुश हैं, सदा खुश रहो। श्रीमंत पेशवा जी की बातें सुन सुबेदार जी, रानी साहब, आई, बाबा सभी बहुत प्रसन्न हुए। आनंद का अनुभव करते हुए शीघ्र ही होने वाले विवाह समारोह के उल्लास में डूबे अतिथि लौट गए। हमारे घर में उत्साह का माहौल था। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सबके लिए नए नए वस्त्र लिए जा रहे थे। मेरे लिए कई रेशमी जरी की साड़ियां, दुपट्टे, नए दागीने खरीदे गए। शाहजी दादा और महाजी दादा भी सारी शरारतें भूलकर विवाह की तैयारी में जुटे हुए थे। अब तो उन्होंने मुझे चिढ़ाना भी छोड़ दिया था, बल्कि मेरा और अधिक ध्यान रखने लगे थे। पर कभी कभी मुझे छोटी रानी साहब करके बुलाते थे, मैं भी हंस देती थी, पर आई और बाबा की आंखें कई बार भीग जाती। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। पुणे जाने के दिन करीब आते जा रहे थे। मैं कपिला के पास जाकर कहती, उदास मत होना कपिला मेरे जाने के बाद, मैं तुम्हें ससुराल में भी याद करती रहूंगी। मैं उसे सहलाती तो लगता उसकी आंखें भी नम हैं। आम, नीम, अमरूद के पेड़ों को पानी देती तो लगता जैसे वो अपनी टहनियों से मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते, सुखी रहो अहिल्या, दोनों कुलों का अभिमान बनना। मैं आई को पूछती, आई मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बिना? आई कहती, अहिल्या थोड़े दिन ज़रूर तुम्हें हमारी याद आएगी, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे सुबेदार जी और रानी साहब का स्नेह पाकर नई जिम्मेदारियां निभाते निभाते तुम खुद व्यस्त हो जाओगी। मैं भी कल्पना करती कैसा होगा राजमहल, बाकी के लोग कैसे होंगे, मैं अपने कर्तव्य तो ठीक से निभा पाऊंगी ना। फिर मैं सिद्धेश्वर से आशीर्वाद मांगती कि मैं अपने सारे कर्तव्य, सारे रिश्ते निष्ठा से निभा पाऊँ। आज हम पुणे जा रहे हैं। आई, बाबा, दोनों दादा, मामा और भी कई नज़दीक के रिश्तेदार साथ थे। रानी साहब, सुबेदार जी और उनके सेवक हमें साथ लेकर पुणे की ओर चल दिए। साथ में हाथी और कई अश्वारोही साथ थे। रानी साहब ने स्वयं की देखरेख में मेरा श्रृंगार करवाया। लाल रंग का जड़ी बूटी का पैठनी शालू
उस पर भरजरी दुपट्टा, माथे पर टीका, गले में चंद्रहार, वजट्टी, रानीहार, कर्णफूल, नाक में माणिक मोती की नथ, कलाइयों में कांच के हरी चूड़ियों के साथ साथ जड़ाऊ कंगन, बाजूबंद, करधनी, पाँव में सोने की भारी पायजेब, जूड़े में हीरे जड़ित स्वर्ण पुष्प लगाकर मोगरे के गजरे से सजाया था और भाल पर एक बड़ी सी बिंदी लगाई थी। शनिवार वाड़े के सामने आकर हाथी रुक गया। मुझे धीरे से अंबारी से नीचे उतारा गया। जब प्रवेश द्वार तक पहुंची तो गहनों के बोझ से मुझे चलना मुश्किल लग रहा था। पायजेब में लगे घुंघरुओं की मधुर आवाज़ से मुझे सुखद अनुभूति हो रही थी। मेरा हर कदम मुझ पर आने वाली जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था। शनिवार वाड़े में प्रवेश करते ही कई सुहागिन स्त्रियां हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी थीं। उन्होंने हम सब पर सुगंधित फूलों की वर्षा की, गुलाबदानी से गुलाब जल का छिड़काव किया। चांदी की थाली हल्दी कुंकू अक्षदा से सजी थी, उसमें निरंजन जल रही थी। सब स्त्रियों ने हमें हल्दी कुंकू लगाया और आरती उतारी। आई और रानी साहब मेरे साथ ही थी। संपूर्ण शनिवार वाड़े में गुलाब जल और केसर का छिड़काव किया गया था। सुगंधित पुष्प मालाओं से सजावट की गई थी। बीच में विवाह की वेदी सजाई हुई थी। आसपास बैठने के लिए मंच की व्यवस्था की गई थी। सारे मंचों पर रेशमी चादरें और गादी तकिए लगे हुए थे। धीरे धीरे आई और रानी साहब मुझे विवाह वेदी पर ले आए। दो पुरोहित सुनहरा अंतरपाट पकड़े खड़े थे। नक्काशीदार चांदी के पाट अंतरपाट के दोनों तरफ रखे हुए थे। मैं सिर झुकाकर अंतरपाट के इस तरफ खड़ी हुई थी। माथे पर लगाई मंडोवली की मोतियों की लड़ियां धीरे धीरे झूल रही थी। अंतरपाट के दूसरी तरफ छोटे सूबेदार श्रीमंत खंडेराव जी खड़े थे। उन्होंने राजसी पोशाक पहन रखी थी। सिर पर सुनहरी पगड़ी थी जिसमें हीरे का शिरपेच लगा था। गले में मोती पन्ने का कंठा पहना था। कंधे पर जरी के किनार वाला दुपट्टा था। हमारे हाथों में सुंदर सी वरमाला थी और एक तरफ मंच पर शहनाई वादक बैठे थे। उनके शहनाई का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। श्रीमंत खंडेराव जी के पास ही सूबेदार जी और श्रीमंत पेशवा जी, मेरे बाबा और दोनों दादा खड़े हुए थे। पुरोहित ने सुमधुर स्वर में मंगलाष्टक गाना शुरू किया। आला आजहा मंगल दिन पहा, आला आजहा मंगल दिन पहा। आज ये मंगल दिन आया है, द्वार पर शहनाई बज रही है। नववधु हाथ में वरमाला लेकर आई है, उसके हाथों में हरी चूड़ियां हैं। अहिल्या और खंडेराव पर फूलों की वर्षा हो रही है। तुम दोनों का विवाहित जीवन सदा सुख से रहे। मंगलाष्टक के मधुर स्वर मुझे आह्लादित कर रहे थे। एक के बाद एक मंगलाष्टक समाप्त होता तो सब पुष्प वर्षा के साथ अक्षदा का वर्षाव करते। जब सारे मंगलाष्टक गान खत्म हुए तो पुरोहित जी ने अंतरपाट हटा दिया। मैंने और खंडेराव जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। खंडेराव जी के साथ खड़े सूबेदार जी और श्रीमंत पेशवा जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। बाबा और आई के होठों पर मुस्कुराहट और आंखें नम थी। कभी कभी अत्यधिक खुशी से भी तो आंखें नम हो जाती हैं। अब पुरोहित जी सप्तपदी संपन्न करा रहे थे।
तब उन्होंने सप्तपदी के दौरान मुझसे 7 वचन मेरे पति के लिए दिलाए कि मैं तीर्थ, व्रतोद्यापन, यज्ञ, दानादि में पति के साथ रहूंगी। मैं बालक से लेकर वृद्धावस्था तक सभी का ध्यान रखूंगी, पति की आज्ञा का पालन करूंगी, मन, कर्म और शरीर से पति का साथ दूंगी, हर सुख दुख में साथ रहूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी और धर्म, अर्थ, काम संबंधी कर्मों में सहभागी रहूंगी। मैं अग्निदेव, ब्राह्मण और माता पिता के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैंने 7 कदम के साथ 7 वचन निभाने का दिल से निश्चय किया। पुरोहित जी ने भी खंडेराव जी से वचन दिलवाए कि मन, वचन, कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे, इसलिए आज अग्निदेव को साक्षी मान हम 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एकनिष्ठ रहेंगे और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत यह बंधन अटूट बना रहे। हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। मैंने देखा खंडेराव जी वचन लेते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे, मानो कह रहे हों, अहिल्या, ये वचन मैं प्राण प्रण से निभाऊंगा। मैंने शर्मा कर नज़र झुका ली। आई बाबा ने कन्यादान किया और मेरे हाथ के साथ मेरा जीवन भी खंडेराव जी के हाथों सौंप दिया। कन्यादान में मुझे आई बाबा ने बहुत सारे दागिने और चांदी के बर्तन और पूजा के लिए गणेश जी, शिव जी, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ दी। खंडेराव जी ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मेरी मांग में सिंदूर भरा, पैरों की उंगलियों में बिछुए जोड़वे पहनाए। सुनमुख के समय सासू माँ और बाबा साहेब ने मुझे बहुत सारे दागिने दिए। विवाह की रस्म पूरे होते ही हमें लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा घर ले जाया गया। वहाँ लक्ष्मी पूजन की विधि संपन्न हुई। हमें चांदी की कटोरी में एक दूसरे का झूठा दूध पिलाया गया। फिर हम दोनों ने सारे बड़े लोगों के चरण स्पर्श किए। सासू माँ और पेशवा जी ने बहुत सारे बहुमूल्य उपहार दिए। जितने भी मेहमान थे सभी ने हमें उपहार दिए। सासू माँ ने हम दोनों की नज़र उतारी। अब तो सारी स्त्रियाँ और सासू माँ कहने लगी, अहिल्या, अपने पति के नाम का उखाड़ा लो। यह सुनकर मैं शर्मा गई, फिर भी सबके आग्रह की खातिर मैंने उखाड़ा लिया। गले में सोने का मंगलसूत्र, हाथों में मोतियों की चूड़ियाँ, गले में सोने का मंगलसूत्र, हाथों में मोतियों की चूड़ियाँ, खंडेराव जी के साथ बीतेगी जीवन की सुनहरी घड़ियाँ। और सासू जी है माँ जैसी, ससुर जी जैसे पिता, सासू जी है माँ जैसी, ससुर जी जैसे पिता, खंडेराव जी से जुड़ गया जीवन भर का नाता। रात को विवाह के उपलक्ष्य में बहुत भव्य भोज का आयोजन किया गया था। कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। आई बाबा, दादा ने हमें अनेक आशीर्वाद दिए और विदा ली। 8 दिन तक शनिवार वाड़े में राजसी वैभव का आनंद लेकर हम मालवा की ओर चल पड़े। कुछ समय इंदौर के पास कंपेल में रहे, फिर इंदौर में बाबा साहब ने जो हवेली बनाई थी उसमें आ गए। हवेली भी राजसी वैभव से परिपूर्ण राजवाड़ा ही थी। इंदौर आकर सासू माँ ने मेरे हाथों से राजवाड़े में सबको उपहार दिलाए। मैं धीरे धीरे इंदौर में सहज होने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ और बाबा साहब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।
कभी कभी खंडेराव जी भी मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछते हैं। वह कहते हैं, अहिल्या तुम्हें आई बाबा और दादा की बहुत याद आती होगी ना, वहाँ गांव में तो तुम सहेलियों के साथ खेलती रहती थी, यहाँ तो सिर पर पल्लू लिए सारा समय हमारी आई साहब के पीछे पीछे घूमती रहती हो। अगर तुम खेलना चाहो तो मेरे साथ भी खेल सकती हो और चाहो तो शस्त्र चलाना भी सीख सकती हो। मैं मुस्कुरा कर रह जाती। आई ने कहा था, ससुराल में तुम्हें बहू की तरह ही रहना होगा, अपना आचरण मर्यादा में रखना एवं बड़ों को पूरा मान सम्मान देना। राजमहल बहुत बड़ा था, हर वस्तु आलीशान थी, जगह जगह झाड़ लगे हुए थे, हमेशा महल रोशनी से जगमगाता रहता। रसोई घर इतना बड़ा था और भोजन बनाने के बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े रसोई घर में तो हमारे पूरे चौंडी गांव का भोजन बन सकता था। रोज चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। सभी लोग मुझे या तो सुनबाई कहकर पुकारते या छोटी रानी साहब संबोधित करते हैं।